थ्री नंबर क्वेश्चन से बोला जा रहा है प्रूव करने के लिए कि टू टैन इनवर्स थ्री बाई फाइव इज इक्वल टू सॉरी टू साइन इनवर्स थ्री बाई फाइव इज इक्वल टू टैन इनवर्स 24/7 है। तो टू टैन इनवर्स ऑफ हम लोग LHS से मूव करेंगे, साइन इनवर्स थ्री बाई फाइव को हम थीटा कंसिडर करते हैं। यहाँ पे थीटा की वैल्यू प्रिंसिपल इंटरवल में होना चाहिए था, थीटा की वैल्यू -π/2 से +π/2 तक हो रहा है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 होगा। तो साइन इनवर्स ऑफ 3/5 को थीटा माना तो लेफ्ट साइड में 2θ हो जाएगा, 2θ इज इक्वल टू क्या होगा, तो 2θ का जो वैल्यू टैन के टर्म में निकालना है। साइन थीटा हमने जाना 3/5 है, तो 2θ की वैल्यू टैन के टर्म में, 2θ की वैल्यू टैन के टर्म में निकालेंगे तो टैन 2θ का फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। टैन 2θ इज इक्वल टू 2tan θ बाई 1 -tan²θ होता है। तो साइन थीटा जानते हैं 3/5, तो टैन थीटा इज इक्वल टू यहाँ पर ट्रायंगल रूल फॉलो करेंगे, थीटा है परपेंडिकुलर 3 और हाइपोटेन्यूस 5 है तो बेस 4 हो जाएगा, तो टैन थीटा इज इक्वल टू इसलिए टैन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस 3/4 होगा। तो यहाँ लिखेंगे 2 3/4 1 -9/16 3/4² 9/16 3/4 16 - 9 और 16 ऊपर चला जाएगा तो यहाँ 4 4 + 16 12 डैट इज टैन 2θ इज इक्वल टू 12/16 - 9 7 और ये 2 भी है 2 × 3/4 16 तो 12 × 2 तो टैन 2θ इज इक्वल टू 24/7 आ गया। तो 2θ इज इक्वल टू टैन इनवर्स 24/7। अब यहाँ पर थीटा इक्वल टू हमने क्या कंसिडर करा था, साइन इनवर्स 3/5। तो यहाँ पे हम लिखते हैं टैन थीटा, यहाँ पे टैन 2θ इक्वल टू मिल गया, 2θ इज इक्वल टू टैन इनवर्स 24/7 और 2θ के जगह पर साइन इनवर्स 3/5 हमने कंसिडर करा था पुट कर दिए तो ये टैन इनवर्स 24/7 प्रूव्ड हो।